महाराष्ट्र राज्य और केंद्र सरकार नौकरी में 72,000 जगह उपलब्ध है। इस मेगा भर्ती नौकरी में मराठा समाज को 16% आरक्षण मिला है। यही नहीं, इस बात की छानबीन होकर ही मेगा भर्ती होनी चाहिए, ऐसी मांग लेकर मराठा ठोक मोर्चा के संयोजक आबा साहेब पाटिल ने मंत्रालय में संबंधित विभाग के प्रमुखों से मिलकर पत्र दिया। वहीं इस मामले को लेकर 24 आवर्स टुडे न्यूज के मंत्रालय प्रतिनिधि दिनेश चिलप मराठी द्वारा आबा साहेब पाटिल से बातचीत की गई। आंदोलकों के मार्फत जो विद्यार्थी है उन्हें MPSC में 16% आरक्षण मिलना चाहिए। UPSC, MPSC और जहाँ जहाँ शासकीय क्षेत्रों में नौकरी की भर्तियाँ होती है वहाँ आरक्षण मिलना जरूरी है। क्या मामला है इस संदर्भ में हम आबा साहब से बातचीत करते हैं। नमस्ते आबा साहब, आपका स्वागत है। आज आप मंत्रालय में आए, किन अधिकारियों से मिले और विषय क्या था? मराठा आरक्षण का जो मसला था वो हल हो गया। माननीय न्यायालय कोर्ट ने मराठा आरक्षण जारी किया, उसका तहे दिल से सब मराठा समाज ने स्वागत किया। लेकिन उसके अंदर अभी 2014 में ESBC का आरक्षण लागू किया था। ये आरक्षण लागू होने के बाद में जो गवर्नमेंट का नौकरी का ऐड निकला था उसके अंदर 2014 में सारे जितने डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट में मराठा कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, उसका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अभी 2014 के बाद में माननीय न्यायालय कोर्ट ने बताया था कि जब तक मराठा आरक्षण का निर्णय नहीं लगता तब तक इन लोगों को सिलेक्शन जो लेटर है वो दिया नहीं जाएगा, उनको होल्ड करने के लिए बोला था। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी 2014 से 2018 तक कि सब जितना भी भर्ती हो गया हर डिपार्टमेंट में सबके ऊपर स्टे लाया गया था। अभी न्यायालय ने कोर्ट ने निर्णय दिया है, आरक्षण लागू हो गया है। हमारी ये मांग है कि जो 2014 में जो भर्ती हुआ था, 18 में भर्ती हो गया, 17 में हो गया, उससे जितना बीच में जितना भी भर्तियां हो गई हर डिपार्टमेंट में उसके अंदर 16% जगह जो मराठा कैंडिडेट्स को दिया गया था उसको वही कायम किया जाए। 16% का जो सिलेक्शन करके रखा था उनका जो नियुक्ति लेटर देना था वो भी रेडी करके रखा था लेकिन दिया नहीं। अभी आज जाके हमने निवेदन दिया था 2-3 दिन पहले, फिर भी आज ये अधिकारी लोगों ने आज एक लेटर निकाला, उसके अंदर क्लियर कट दिखा है कि आज 4 तारीख है, 4 तारीख को ये लेटर इशू किया सब डिपार्टमेंट को। उसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि 27 तारीख को जो मराठा आरक्षण लागू हो गया 13% ESC BC का जो आरक्षण है उसके तहत इनको जगह दिया जाए और सब डिपार्टमेंट में 13% से ही उनको निवड़ पत्र देना चाहिए था। लेकिन ये सरासर गलत है कि निर्णय कल हो गया 27 तारीख 27 जून को, भर्ती प्रक्रिया पूरा पहले हुआ है 2014 से, अब 5 साल उसके अंदर हो गया। जो कैंडिडेट है मराठा समाज का जो लड़का है उम्मीदवार है उसको अभी नौकरी मिला करके वो कोर्ट का निर्णय होने तक रुका है, उसका एक तो ओवर एज हो गया, उसने बाकी नौकरी ढूंढा नहीं, आज वो इंतज़ार कर रहा है घर पे। ऐसा 3,500 जो कैंडिडेट है वो 2014 के हैं और अभी मेगा भर्ती में जो हम 13% से अभी बोल रहे हैं उसमें 16% से अभी 3% कम हो गया, उसके अंदर जो कटिंग हो गया वो किसको जाएगा? भर्ती तो उसी हिसाब से जाहिरात उसी हिसाब से निकाला ना, यानी इससे तो, जो मराठा तबके के लोग है युवक है जिन्होंने परीक्षा दी के नौकरी हासिल करने का प्रयास किया था उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सब शासन का गलत धोरण, जो गवर्नमेंट का जितना भी रोल इसके अंदर है, जो गवर्नमेंट जिस तरफ से फॉलोअप करती है उसके अंदर जब भी कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे कुछ अधिकारी लोग हैं जानबूझकर ऐसा करती है। तो हमारा अभी मांग है उनको ये 8 दिन के अंदर ये सब मसला हल किया जाए। हमारे सब जितने भी लोग हैं नौकर भर्ती के अंदर वो 16% के हिसाब से हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर तुम जिस बात कर रहे कायदे की, संविधान की, घटना की, उसके अंदर हम भी बैठते हैं, कायदा हमको भी मालूम है और कैसा उसको इम्प्लीमेंट करना है वो भी मराठे जानते हैं।
अगर कोई जानबूझकर इस तरफ अगर हमारे जो मराठा समाज के युवकों के ऊपर अन्याय करना चाहेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जो डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट का जो भी अधिकारी है, ऑफिसर रहेगा, उसको उसी हिसाब में मराठा क्रांति ठोक मोर्चा का हिसाब किताब उसके ऑफिस में घुस के हम देंगे, उधर ही देंगे। जो भी उसके तहत हो जाएगा हम झेलने के लिए तैयार है। हमारे समाज के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है कि अभी हमारा एक ही है, करो या मरो। नहीं पाटिल साहब, इससे यह प्रतीत होता है कि आप कायदे कानून को मान नहीं रहे और अपनी चला रहे। बोलिए आगे। कायदे कानून का गलत बात कर रहे हैं अभी हमारे साथ में। कायदे कानून क्यों नहीं माना? 2014 से हम इंतजार किया ना कायदे कानून को। अभी आप कैसे बोल रहे कि हम कायदे कानून नहीं मान रहे करके? हर कायदा सबके लिए वैसा हमारे लिए है, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर कायदा किसी ने तोड़ा तो हम भी कायदा तोड़ सकते हैं। जैसा उनको कायदा बराबरी का है, अब हमारा हिस्सा बराबरी का है। गवर्नमेंट के अंदर सब 70% 80% पूरा जो महसूल है गवर्नमेंट को अकेला मराठा समाज भरता है और उसके ऊपर सरकार चलती है। हम पानी तक पीते हैं, खरीद के पानी पीते हैं। मराठा समाज हमको कुछ भी फ्री में नहीं देते और हमारा अधिकार है। जितना हम लोग देते सरकार से उससे दुगना सबको मिलता है। हम तो 50% में आ गए भाई। सबका जितना, हर कास्ट का जितना भी आबादी है उसी हिसाब से उसको आरक्षण दिया है। हमारे ऊपर खाली 50%, बाकी देखो सबको 13% है, 13% आरक्षण है। 7% समाज, 7% आरक्षण है। 32% समाज है, 30% आरक्षण है। हमने क्या किया? हम 32% तो 16 का 13 कर दिया। हमारा क्या है? तो इसलिए अभी कैसा है कि हम ये अभी मराठा क्रांति ठोक मोर्चा का निर्णय लिया है। अभी ये जब तक चलता रहेगा हम भी चलते रहेंगे आगे जाके। आगे इसके अंदर हमारा हक है, हम कैसा लेना हम जानते हैं। और इनको अभी सब अधिकारियों से बातचीत हो गया है, अभी 2 दिन का टाइम देता हूँ। सर मुख्यमंत्री से आप अभी इस माननीय मुख्यमंत्री साहब को अभी मिलने को जाएंगे। अभी उनका टाइम लेके ये जो इशू है वो उनके साथ में हम डिस्कस करेंगे। उनको एक बार बताएंगे कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, हमारा जो मांग है वो पूरी करो, कि हमारा जो बच्चों लोगों के अन्याय हो रहा है, जो युवकों के ऊपर अन्याय हो रहा है वो पूरा क्लियर कर दो। अगर नहीं होता तो हमारा आंदोलन शुरू। अगर 16% आरक्षण मराठा युवकों को नहीं मिला तो हम अपने तरीके से आंदोलन करेंगे। बहुत बड़े बड़े मोर्चे मराठा समाज के महाराष्ट्र ने और देश ने देखा है। तुलजापुर से आंदोलन की फिर से शुरुआत होगी अगर 16% आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो। देखते हैं आगे क्या होता है। आबा साहब ने सरकार को ललकारा है, आगे क्या होता है देखेंगे। मंत्रालय से दिनेश चिलप मराठे, 24 आवर टुडे न्यूज़, मुंबई।